दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर की गिरफ्तारी मुरादनगर थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से लगभग 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। पूछताछ में राहुल कुमार डांगी, जो कि झारखंड चतरा जिले का रहने वाला है, बताया कि वह पूर्व में मजदूरी और ड्राइवरी का काम करता था। बहुत ज़्यादा आमदनी न होने के बाद से यह जो है चतरा के ही प्रीतम के संपर्क में आया, जिसने बताया कि वह अफीम की तस्करी झारखंड से दिल्ली NCR पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में करता है और पर ट्रिप उसको जो 20,000 रुपये मिलते हैं। उसके संपर्क में आने के बाद यह भी जो है अफीम की तस्करी झारखंड से दिल्ली NCR हरियाणा पंजाब क्षेत्रों में करने लगा। यह अफीम की तस्करी बस और ट्रेन के माध्यम से करता है और इससे पूछताछ में कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं, जिसके संबंध में टीमें गठित कर दी गई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।